चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के बाद लोगों से 50 दिनों का वक्त मांगा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोगों को सिर्फ 50 दिनों तक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद स्थिति सही हो जाएगी। लेकिन 95 दिनों से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी स्थिति सही नज़र नहीं आ रही। साथ ही ATM से कैश निकालने की लिमिट भले ही बढ़ा दी गई हो, लेकिन फरीदाबाद शहर में अधिकतर ATM अभी भी खाली नज़र आते हैं। यहाँ पर लोग पैसे निकालने तो पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो पेमेंट भी नहीं आ रहा, 3-4 दिन से जो हम लोग घूम रहे हैं, पेमेंट भी नहीं आ रहा। सरकार को यही कि हम लोग को गरीब आदमी को पैसे सब ATM में देने के लिए, और क्या कहें, हम लोग को यार पैसे का ही ज़रूरत है, इससे ही हम लोग को पेट चलता है। ये हम लोग जो बाहर में यहाँ करके तो पैसे से ही, अब पैसे नहीं मिलता है, जब आते हैं जब कहते हैं ही नहीं खत्म है। आज कम से कम हम लोग 20-25 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं, ATM में चेक कर रहे हैं, कैश कभी नहीं आ रहा। जाने आज 2-3 महीने हो गए इसमें ना, इसमें यहाँ पे 3 ATM है, तीनों में किसी में भी बैलेंस नहीं है। अब हम लोगों को सैलरी हम लोगों की आती है बैंक में, तो इसका मतलब हम लोग छुट्टी करके बैंक में जाएं। चलिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।